हेलो गाइस, दुंदर को कॉल की तरफ से सबको सत श्री अकाल। तो मैं बना लगी हाँ केक। तो उदे वास्ते मैं समान ले लेता है। ये है मैदा, सूजी, ऑयल, दही, और ये है ब्राउन शुगर, और है सोडा और बेकिंग पाउडर। तो चॉकलेट असी यूज़ करना हो समान। तो चलो असी स्टार्ट करते हैं। मैं बनावांगी मिक्सी दे विच। मैं मिक्सी जार ले लेता। तो मिक्सी जार च सब तो पहले मैं दही ऐड करांगी। देसी जरूरत पई तो असी मिल्क भी ऐड करांगे। तो मैं मिल्क भी रख लेता हूँ। पहले मैं दही ऐड करता। दे विच मैं शुगर ऐड करती हूँ। नाल ही दे विच मैं रिफाइंड ऑयल, चाहे तुसी देसी पा लो, ऐड कर देता। तो इधर विच हूँ मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, तो नाल ही मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। तो मैं मिक्सी विच ही सब कुछ करांगी, सब कुछ ऐड कर देता। तो इधर विच मैं हूँ थोड़ा जहाँ मिल्क ऐड कर रही हूँ। हाफ कप मैं मिल्क ना लिता सी, अजे मैं थोड़ा ऐड किया। तो हूँ इसको मैं ब्लेंड कर दिया एक बारी मिक्सी च। तो इनू मैं कर लिता मिक्सी च। इहदे विच बिल्कुल कुछ स्मूथ पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया। इहदे विच कोको पाउडर एक चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ फ्लेवर वास्ते। तो उन्होंने एक बारी अभी मिक्सी में दोबारा एक बारी चला लेंगे। थोड़ा कलर चेंज हो गया इसमें। हूँ इहदे विच ऐड करांगे बेकिंग पाउडर छोटी वाली चम्मच, और नाल ही ऐड करांगे इस मिठा सोडा। ये भी ऐसी 1 टीस्पून ही ले लेता। दोनों चीजें ऐसी ऐड इस तरह ही शेक कर लेंगे मिक्सी विच ही। उसके बीच में ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स मैं कटे हुए हैं तो मैं हाफ ऐड कर रही हूँ। ये भी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से हिला दूँगी। टिन ले लेंगे जिदे विच असी बनाना। इहदे विच थोड़ा सी मैदा पा के अच्छी तरह से टेस्ट कर लेंगे। ते मैं जिदे विच इधर असी बर्तन रख दिता जिदे विच बनाना गैस ते। तो इसनू देखो इस तरह कंसिस्टेंसी आनी चाहिए है बिल्कुल। सारा बैटर असी इस च कट देंगे। बहुत ही ईजी तरीके नाल मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल वे। असी सारा बैटर कट लिता। इधर असी इस चीज पर मैं थोड़ा जहा ड्राई फ्रूट वो लगा दे रही हूँ।
इधर बर्तन गैस, इधर बीच पैंच में रख दिता बैटर, तो इन्हू कवर कर देंगे 45 मिनट वास्ते। ऊपर ग्रीन निशान है, ये एंड तक आ जाएगा तो केक रेडी हो जाएगा। तो 45 मिनट तो बाद असी इन्हू खोलेंगे। देख गाइस, सिम गैस के उपर रख दिता है, 45 मिनट तक असी वेट करांगे, फिर 45 मिनट बाद खोलेंगे असी। गाइस अभी मैंने जो ऊपर निशान है आने वाला है ऊपर तक, 2 मिनट और वेट करते हैं फिर खोलते हैं, क्योंकि पहले खोल नहीं सकते ना इसे, तो हम 2 मिनट और वेट करते हैं। तो गाइस चलिए इसे खोल के देखते हैं। ये भगवान, ओ इसे चेक करते हैं। बिल्कुल साफ है, केक कंप्लीट हो गया। और इसे हम थोड़ी देर कवर रहने देते हैं, गैस को कर देते हैं बंद, तो वेट करते हैं। मे गॉड ब्लेस, केक कैसा तैयार होगा। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं। तो इसे उतार के नीचे रख देते हैं, तो क्योंकि लगा एकदम नहीं खोलना, थोड़ी देर में जब ये बैक चला जाएगा फिर इसे खोलते हैं हम। तो 5 मिनट के बाद थोड़ा निशान पीछे चला जाए फिर हम खोलेंगे केक। तो गाइस केक को बाहर निकाल लेते हैं, गरम है थोड़ा। तो केक मेरा तैयार हो गया है, इसे थोड़ी देर कूल होने दें फिर इसे बाहर निकाल देंगे। तो गैस थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसे साइड से प्रेस करके इसे बाहर निकालते हैं। थोड़ा थोड़ा कूल हो चुका है, तो इसे डक से निकाले बाहर, वो दिखाते हैं उसपे, छोटी प्लेट में निकाल देते हैं, इसमें निकालते हैं। वन टू थ्री, थैंक गॉड, वाओ। इसे अब इसमें सीधा कर, वाओ यम्मी यम्मी सा केक रेडी हो गया है। वाओ तेरे कार्टून ले आओ इसके ऊपर डालने हैं। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। अब दक्ष कुछ डेकोरेशन करेगा इस पे। तो गाइस केक तो मेरा तैयार हो गया है, तो इस पे थोड़ी डेकोरेशन करते हैं। पहले ये डालेंगे, क्या डालेंगे, ये स्प्रिंकल्स, चल डाल इसके ऊपर। तो दक्ष ने करनी है डेकोरेशन, वाओ। चल पिंच कर लिया इसके अंदर डाल दे। तो गाइस केक मेरा तैयार हो गया है और दक्ष ने कर दी डेकोरेशन। इसे कूल होने दो, तो थोड़ा सा कर दे मेरे को, देख मिनट रुक रुक, साइड साइड से। चल बस बंद कर दे। तो गाइस केक देखो तैयार हो गया है, तो चलिए इसे थोड़ा ठंडा करते हैं फिर कट करते हैं। तो थोड़ी किटकैट भी पड़ी है, तो चलो इसे भी डालते हैं। तो थोड़ी किटकैट, दादी ने घरेलू नुस्खे से बनाया इसको, मैंने किटकैट भी डाल दिया। तो इसे थोड़ा और ठंडा हो जाने देते हैं। आगे हाथ रख लेते हो क्या,
छोटे छोटे फ्लावर डेकोरेशन तो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं, डेकोरेशन का क्या है। तो टेस्ट के लिए आप जो मर्जी ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा केक तैयार हो गया है, तो चलिए इसे कट करते हैं। तो गाइस फाइनली केक मेरा तैयार हो गया है, तो चलिए इसे अब कट करते हैं। तो गाइस केक को कट कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे किसी का नहीं, हैप्पी बर्थडे। चलो रुको रुको रुको, लीव इट लीव इट। तो गाइस मेरा केक तैयार हो गया आप सबके लिए। कैसा बना आप खाइए।